7, India, location, border, area and physiography, part 2. Mountain range of Himalaya. Mountain Godwin Austin peak of India is 8611 meter high. It lies in the Karakoram range. जो mountain Godwin Austin India की जो peak है वो 8611 meter ऊंची है और ये काराकोरम रेंज में स्थित है. माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड विच इज़ लोकेटेड इन द हिमालयन रेंज इन नेपाल. माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है दुनिया की वो सबसे ऊंची पीक है, छोटी है, जो कि हिमालय रेंज के नेपाल में स्थित है. कंचनजंगा 8518 मीटर, नंदा देवी 7817 मीटर्स एंड बद्रीनाथ 7138 मीटर्स आर हाई पीक्स लोकेटेड इन द माउंटेनियस रीजन ऑफ द हिमालयाज इन इंडिया. कंचनजंगा 8508 मीटर ऊंची है, नंदा देवी 7817 मीटर ऊंचा है और बद्रीनाथ जो है 7138 मीटर ये ऊंचा है. और ये सब जो ऊंचे पीक्स हैं वो माउंटेन जो हिमालय इंडिया के माउंटेन पहाड़ी इलाकों में स्थित हैं. हिमालय में, इंडिया के हिमालय में पहाड़ी क्षेत्र में ये सब जो ऊंचे पीक्स हैं वो स्थित हैं. माउंटेनियस रीजन ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज. द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयाज इज माउंटेनियस. जो ईस्टर्न हिमालय के जो ईस्टर्न पार्ट है वो पहाड़ी है, माउंटेनियस है, पहाड़ी इलाका है. पटकोई एंड लुशाई वेरी हाई हिल्स फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द ईस्टर्न हिमालयाज. हिमालय ईस्टर्न हिमालय के पटकोई और लुशाई जो है वो बहुत ऊंची हिल है, वो हिमालय ईस्टर्न हिमालय का भाग है जहाँ वेयर्स गारो खासी जैंतिया एंड नागा द नॉट सो हाई हिल्स फ्रॉम फॉर्म्स पार्ट ऑफ द साउथर्न हिमालयस फ्रॉम द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. जहाँ गारो खासी जैंतिया एंड नागा जो कि बहुत ऊंचे नहीं हैं हिल्स हैं जो साउथर्न हिमालय के भाग में स्थित हैं. पटकोई लुशाई जो है वो हिमालय ईस्टर्न हिमालय में है और ये जो गारो खासी जैंतिया नागा है वो साउथर्न हिमालय में हैं जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, हिमालय के ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में. प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. द प्लेन्स टू द साउथ ऑफ द नॉर्थर्न माउंटेन रेंज आर फॉर्म बाय द ऑलिवियम ब्रॉट बाय द हिमालयाज हिमालयन एंड पेनिसुलर रिवर. जो नॉर्थर्न माउंटेन का के साउथ में जो प्लेन है माउंटेन रेंज के, नॉर्थर्न माउंटेन रेंज के जो साउथ में साउथ
में प्लेन है वो कछार इलाका जो है वो हिमालय और प्रायद्वीप नदियों द्वारा बना हुआ है। They cover the vast area of northern India. वो northern India के बहुत बड़े इलाके को cover करता है. That is why they are known as the plain of North India. इसलिए ये जो इलाका है, मैदानी इलाका है, North India के नाम से जाना जाता है. The plains made by the river are so vast that is one of the largest plains in the world formed by the rivers. जो ये जो मैदानी इलाका है वो दुनिया का सबसे बड़ा इलाका है जो नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी से बना है. Due to the vastness of this plain, it is one of the most prosperous and populated area of India. ये जो प्लेन है, मैदानी इलाका है, वो अपनी विशालता के कारण भारत का सबसे संपन्न और ज़्यादा जनसंख्या वाला एरिया है. सेंट्रल एंड डेक्कन प्लेट्यूज ऑफ इंडिया. द सेंट्रल एंड डेक्कन प्लेट्यू लाई इन द साउथ ऑफ द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. जो सेंट्रल और डेक्कन प्लेट्यू है वो नॉर्थ साउथ ऑफ द प्लेन लाई टू वो नॉर्थ इंडिया के साउथ हिस्से में स्थित है, पहाड़ी इलाका है, प्लेट्यू है वहाँ का. दे आर स्प्रेड लाइक अ ट्राइंगल सराउंडेड बाई वाटर बॉडीज ऑन थ्री साइड्स. वो जो है ऐसे फैले हुए लगते त्रिकोण में फैले हुए लगते हैं जो तीन तरफ से वाटर बॉडी से घिरे हुए हैं. सो इट इज़ कॉल्ड अ पेंसुला. इसलिए इसको पेंसुला भी कहते हैं. इट इज़ द ओल्डेस्ट लैंड मास मेड ऑफ द रॉक्स. ये सबसे पुराना जमीनी हिस्सा है जो पत्थरों द्वारा, रॉक्स द्वारा बना हुआ है. द रिफ्ट वैलीज ऑफ द नर्मदा एंड द शॉन रिवर्स आर लोकेटेड इन दिस प्लेट्यू. जो नर्मदा का रिफ्ट वैलीज है, घाटी है, और शॉन रिवर जो है इसी प्लेट्यू में स्थित है. This plateau is further divided into two parts, Malwa plateau in the north and Deccan plateau in the south. ये plateau भी जो है वो दो भागों में बटा हुआ है. North Malwa plateau जो north में है और Deccan plateau जो कि south में है. The soil in this plateau is not very fertile, but because it is black, this area yields a variety of crops and is also a treasure house of many minerals. ये यहाँ इस प्लेट्यू की जो मिट्टी है वो बहुत फर्टाइल, बहुत उपजाऊ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी होती है ब्लैक होती है. पर ब्लैक होने के कारण यहाँ पे तरह तरह के क्रॉप्स होते हैं, उनकी पैदावार होती है, और ये बहुत से मिनरल्स का गढ़ भी है. नाउ आई एम अगेन रिपीटिंग द होल पैराग्राफ्स.
द टॉलेस्ट पीक्स ऑफ इंडिया माउंट गोडविन ऑस्टिन 8611 मीटर इज सिचुएटेड इन द कराकोरम रेंज. द टॉलेस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर्स इज लोकेटेड इन हिमालयन माउंटेन रेंज इन नेपाल. बिसाइड दीज देर आर अदर टॉल पीक्स इन हिमालयाज सच एज कंचनजंगा 8518 मीटर्स, नंदा देवी 7817 मीटर्स, बद्रीनाथ 7138 मीटर्स. In the eastern Himalayas, Patkoi and Lushai ranges are located and the Garo, Khasi, Jaintia and Naga hills spread in the east-west direction are in the southern Himalayas. The northern plains are formed by the alluvium brought by the Himalayan and Peninsular River. This plain is considered to be one of the largest alluvial plains of the world. This is prosperous and populated areas of India. The central and Deccan plateau of India is very much like a triangle, surrounded by water bodies on its three sides, so it is called a peninsula. The rift valley of river Narmada and river Son are situated in the central part of the plateau. This plateau is divided into two parts. Its northern part is known as Malwa plateau and the southern part is called Deccan plateau. This is prosperous region for mineral resources. It is also a treasure house of many minerals. Thank you.